हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लाइव कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त कमल स्वामी एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स या आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इसमें हम देखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है तब हम कैसे ट्रिक्स को यूज में लेते हुए उन सवालों को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो, मैथमेटिक्स का जब नाम आता है, मैथ का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है वो, या कुछ भी जो दिखता है वो नंबर्स, जिसको हम कहते हैं संख्या। मैथ का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक जो छवि बनती है वो संख्याओं की बनती है, नंबर्स की एक छवि बनती है। यहाँ मैथ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्याओं का काम होगा, या जोड़ बाकी गुना भाग या बहुत से कुछ जो है, बट सारा सब कुछ जो रिलेटेड रहेगा वो संख्याओं से रहेगा। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू करते हैं, ये संख्याएं है क्या, एक्चुअल में क्या बोलते, क्या होता है नंबर। नंबर को अगर हम डिफाइन करना चाहे तो नंबर कोई भी अर्थमेटिक वैल्यू, कोई भी अंकगणितीय मान जो कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम इसको कह सकते हैं नंबर को। नंबर या संख्या क्या है, कोई भी अर्थमेटिक वैल्यू नंबर या संख्या हुई अपने, इस अर्थमेटिक वैल्यू अंक गणितीय मान जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसी क्वांटिटी को दर्शाता है, तो नंबर मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो यूज में लिए जाते हैं काउंट करने के लिए, किसी को भी काउंट गिनती के लिए, मेजर करने के लिए किसी भी चीज को कितना है। जैसे आप बाजार में जाते हो तो बाजार में आप बोलते हो 1 किलो ये देना, 2 किलो, 10 किलो, तो वो मेजर करने के लिए, किसी भी संख्या को लेबल करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो ये तो था नंबर्स। नंबर्स का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो नंबर्स होते हैं अर्थमेटिक वैल्यू जो कि यूज में आती है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अर्थमेटिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे आज का हमारा टॉपिक है, नंबर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था वो था नंबर सिस्टम। तो बेसिकली नंबर के बारे में आपको पता चल गया कि नंबर क्या होता है। नंबर एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है। अब ये जो अर्थमेटिक वैल्यू है इसको हम अलग अलग रूप से दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए कई जो है सिस्टम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम्स, जो कैलकुलेट करने के लिए हमें काम में आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी अंक का शुद्ध मान, या जिसको हम कह सकते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी अंक की फेस वैल्यू से मतलब होता है उस अंक का स्वयं का मान,
अपना कितना मान है। यहाँ पे अगर 3.5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी अगर आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे अगर फेस वैल्यू की हम बात करेंगे तो पॉइंट से पहले आ रहा है 3, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 3। इसके बाद में जो भी आ रहा है उसको हम इग्नोर कर देंगे। इसको हम बोलते हैं किसी भी अंक का शुद्ध मान या फेस वैल्यू। दूसरा आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान जब जो संख्या हम लिखते हैं उसमें उस अंक का उस संख्या में क्या स्थान है, किसी भी अंक का संख्या में क्या स्थान है। जैसे यहाँ पे 2148 ये संख्या लिखी मैंने, 2148, तो यहाँ पे ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़े का अंक हो गया और ये हजार। तो यहां पे अगर हम बात करें 8, तो 8 का मान इस संख्या में 2148 में 8 का मान है 8। 4 का अगर हम देखें तो 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 40। इसके आगे एक अंक और है, ये दहाई पे है तो 40। अगर 1 की बात करें तो 1 के आगे 2 अंक है और 1 कहां पे आ रहे हैं, सैकड़े के स्थान पे आ रहा है, तो 100 इसका प्लेस वैल्यू हो गया 100। 2 की अगर बात करें तो 2 आ रहा है हजार पे, तो 2 की फेस वैल्यू हो गई 2000। तो स्थानीय मान का मतलब हो गया किसी भी संख्या के कोई अंक, किसी भी संख्या का अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दो चीजें हमने देखी, फेस वैल्यू का मतलब उस संख्या का स्वयं का मान क्या होता है, और स्थानीय मान का मतलब किसी भी संख्या में एक अंक का जो निश्चित मान होता है उसके स्थान के हिसाब से उसको हम कहते हैं स्थानीय मान। नेक्स्ट आता है, अब हम चलते हैं संख्याओं की तरफ, तो प्राकृत संख्या जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज में लेते हैं, तो गिनती के लिए, गिनने में या गणना में जो अंक यूज में आते हैं, गिनती में जो यूज में आते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 जो है उसको शामिल नहीं करते हैं। नेचुरल नंबर्स में जो संख्याएं गणना के काम में आती है उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में 0 को काउंट नहीं किया जाता है। तो 0 के आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये जितनी भी आगे संख्याएं चलती जाएगी वो सारी कहलाती है नेचुरल नंबर्स। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। होल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाता है अपना पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, जो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc. कंटिन्यूस जो चलता रहेगा उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटिंग के लिए यूज में आती है। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर ले तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या। इसके बाद में हमारा आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक
आपने देखा नेचुरल नंबर्स वन से नेचुरल नंबर में जीरो को कंबाइन करते, जीरो को शामिल करते ही वो पूर्ण संख्या बन गई। और पूर्ण संख्या में अगर हम माइनस की संख्या है और मिला दे तो वो बन जाती है अपने पूर्णांक। जैसे ये जीरो है, जीरो के आगे की संख्या होगी जीरो वन टू थ्री, एंड इससे पहले पीछे अगर हम आएंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो ये जो संख्याएं हैं जिसमें अगर पूर्ण संख्याओं में हम माइनस की संख्याओं को नकारात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो वो कहलाती है अपने पूर्णांक। ठीक है, फिर आती है अपने भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो अपने अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हो। प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? पहली चीज तो प्राकृत संख्या होगी, मतलब माइनस में या जीरो इसका मान नहीं होगा। दूसरा, ये संख्या स्वयं से और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित होगी। जैसे चार है तो चार में चार का भी भाग जाएगा और चार को हम दो से भी डिवाइड कर देंगे तो टू आ जाएगा, फोर बाई वन अगर लिखेंगे तो फोर आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और इसके अलावा भी किसी दूसरे अंक से विभाजित होती है, एक के अलावा, एक से सभी संख्याएं विभाजित होती है, एक के अलावा किसी और दूसरे अंक से विभाजित होती है, तो उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। फिर आती है रूढ़ संख्या, या उसको हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्या है जो स्वयं के अलावा दूसरी किसी संख्या से भी विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं ऐसी होती है जो स्वयं से विभाजित होती है। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं स्वयं से विभाजित होती है जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, जैसे चार है तो चार में चार का भाग हमेशा जाएगा ही जाएगा, तो उस संख्या का स्वयं का भाग कोई भी संख्या हो उसमें जाता ही जाता है। लेकिन स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो कहलाती है भाज्य, और अगर नहीं डिवाइड हो रही है देन वो संख्या कहलाती है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्री है, थ्री में थ्री का भाग जाता है, एक का भी भाग जाता है इसमें, लेकिन एक और तीन के अलावा और किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। दो है तो दो में एक का या दो का, एक का भाग भी सब में जाता है, उस संख्या का कोई भी संख्या होगी उसमें उसका भाग भी जाएगा। तो एक और उस संख्या के अलावा अगर नहीं विभाजित हो रही देन वो कहलाएगी अभाज्य संख्या, या उसको हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, जिसमें दो तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह सत्रह ये जो संख्याएं हैं, जैसे नौ में तीन का भाग जाता है सात ग्यारह, तो ये जो संख्याएं हैं ये कहलाती है अभाज्य संख्या। देखिए जैसे सात है, सात में भाग अगर देना हो या तो एक का भाग जाएगा या सात का जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। ऐसे ही दो है तो एक या दो का भाग जाएगा। अभाज्य संख्याओं या रूढ़ संख्याओं में दो ही केवल एक ऐसी संख्या है, ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विशेष रूप से ध्यान दे, दो ही एकमात्र संख्या है जो सम संख्या है। अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या आती है दो, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्याओं में नहीं आती है। नेक्स्ट आता है अपने परिमेय संख्या।
जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उनको हम कहते हैं परिमेय संख्या। एंड जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता हो और हर का मान शून्य नहीं हो, उनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। फिर आता है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। p अपॉन q के रूप में इनको नहीं लिख सकते, अर्थात इनका कोई निश्चित अंत नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूस चलती रहती है, इनका कोई निश्चित अंत नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो पाई है, पाई का मान 22/7 आप लिखते हो, बट ये एक अपरिमेय संख्या, जब हम इसमें भाग देंगे तो ये भाग कंटिन्यूस इसमें चलता रहता है, कभी भी इसका पूर्ण मान दशमलव के बाद में कितनी भी संख्याओं तक जाता रहेगा अनंत तक। अभी तक किसी ने भी जो है लास्ट में इसका कहीं पे भी ऐसा नहीं आया एंड कि यहाँ जाके ये डिवाइड होना बंद हो जाएगी, तो ये एक इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी मेन जो संख्या है जो हम यूज में लेते हैं या नंबर सिस्टम में जो आता है, संख्या क्या होती है, संख्या का शुद्ध मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, ये सारे हमने आज देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे संख्याओं का जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन, संख्याओं को एक लाइन पे प्रदर्शित करना, जैसे ये कोई लाइन है तो यहाँ पे जीरो आ गया, ये एक आ गया, ये दो आ गया, ये तीन आ गया, ऐसे ही अगर -1, -2, -3, तो ये कहलाता है संख्याओं को किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसके बारे में हम डिटेल से जो है कल देखेंगे, कल के वीडियो में हम संख्याओं को कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा दो जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उनके बीच का मान कैसे प्रदर्शित करते हैं, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी की सीरीज है उसमें nवें पद का मान निकालना हो, तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे मैथ्स के नए सवालों के साथ।